आज रात को उन दोनों की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में घर में सत्यनारायण की पूजा है। आज उन दोनों का साथ में आखिरी दिन होना चाहिए। जिस खुशखबरी को लता राज को सुनाकर उसे फांसना चाह रही है ना, उसे हमें बुरी खबर में बदलना है। ये मेरा आखिरी दाव होगा। ये दाव मैं बरसों पहले आजमा चुकी हूँ और मुझे यकीन है कि इस बार भी मेरा ये दाव खाली नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन काम हो जाने के बाद मुझे मेरी बेटी मिल जानी चाहिए। बस एक बार तुम इस शादी को तोड़वा दो, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। डॉक्टर रॉय, हमने बच्चों को खाना खिला दिया है। हम जानते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सोते। मिस्टर प्रसाद, इसलिए जब तक बच्चे सो नहीं जाते आप कहीं नहीं जाएंगे। जब तक आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तब तक मैं भी अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ओके? ना बेटा? हाँ पक्का, आप अंदर जाओ। हाँ आंटी, आप पक्का जाओ, हम लोग सो जाएंगे, है ना भैया? हाँ। अब आंटी बिल्कुल मम्मा जैसी ही लगती है क्या भैया? हाँ मिष्टी, और वो हमारी मम्मा जैसी ही है। थैंक्स बेटा, बाय। प्रसाद ने इतने कम समय में बच्चों का दिल जीत लिया और मैं इतने सालों में ऐसा नहीं कर पाया। पंडित जी, आपा आगे तुम लोग। तन्वी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। करण, लता दीदी, कांग्रेस, आप मम्मी बनने वाली, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू। और हाँ, वो जो बेबी आएगा ना उसके साथ पूरा दिन तुम्हें खेलना पड़ेगा। हाँ आप लोग आइएगा, हम लोग सब स्वर्ण वन में खेलेंगे, वो बहुत बड़ा है। तन्वी बेटा, आप इनको लेके जाओ, पूजा में बैठो। चलिए। बाय। आप हाँ, बाकी सब लोग और माँ? दीदी, कोशिश तो हमने बहुत की पर किसी को मना नहीं पाए। पर आप चिंता मत कीजिए, जब हम मासी बनेंगे ना तब सब आपके साथ होंगे। और रही अम्मा की बात, तो आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाएगी। यजमान, जिस दंपति के वैवाहिक जीवन और बच्चे के लिए ये पूजा रखी गई है वो दोनों आसन ग्रहण करें। जिस बच्चे के लिए ये पूजा करवाई जा रही है उसमें बैठने का हक भी सिर्फ उसके असली पिता को है। और ये बच्चा मेरा और लता जी का है। हम लोग आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। रुक जाओ मिस्टी, जा रही थी तुम? क्या चाहते ऐसे? अरे नीचे किसने रखा है अभी? आधा जल्दी जल्दी लता के यहाँ जा रही थी तो उसे ये गिर गया। अब उसने ये उठा के रखना चाहिए था ना।